नमस्कार। आज की तारीख में भारत पाकिस्तान सीमा पर मिनी वॉर जैसे हालात की धधकती रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू के अरनिया में पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। अरनिया सेक्टर में कल से रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, तब जब पाकिस्तान ने बीएसएफ से फायरिंग रोकने की मांग की, भीख मांगी, और बावजूद उसके कायर पाकिस्तान रुक रुक कर फायरिंग कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान रहम की भीख मांगता है और फिर मौका मिलते ही वार करता है। वार भी ऐसे कि छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे इसकी चपेट में आ जाए, गांव के गांव जल गए। जवाब में हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पोस्ट को भारत के सैनिकों ने उड़ा दिया, तबाह कर दिया। आतंकी उससे लड़कर शहीद हुए वीर जवान के छोटे छोटे बच्चों के पिता की आत्मा को कचोटने वाली श्रद्धांजलि है, जो पाकिस्तान के क्रूर चेहरे को बेनकाब करती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली पाकिस्तान की धू धू कर जल रही पोस्ट है। बीएसएफ पाकिस्तान की चौकियों पर निशाना लगाया तो जलकर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगी। दूसरी तस्वीर बॉर्डर पर बसे भारतीय गांव में पाकिस्तान की मचाई तबाही की है। दो दर्जन घर यहां जलकर खाक हो गए। पाकिस्तान के हमले और भारतीय सेना का करारा जवाब बॉर्डर पर मिनी वॉर जैसे हालात पैदा कर गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 500 मीटर दूर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर का जोरा फॉर्म इलाका। पाकिस्तान के बमों की लगाई आग अब भी यहां सुलग रही है। जली हुई खाट, जली हुई साइकिल और जले हुए मकान, जिसका अब सिर्फ मलबा बचा है। देर रात इतने पाकिस्तानी बम गिरे कि ये बेजुबान बंधे घोड़े भाग नहीं पाए और झुलस गए। चारा काटने वाली मोटर आग में जल गई। किचन से लेकर कमरा तक सब कुछ आग की भट्टी बन गया। अब सुलगती बस्ती के निशान बचे हैं। फायरिंग के बीच एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। जोरा फॉर्म है ये इलाका और यहां से चंद ही मीटर के बाद पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। यहां पर कच्चे मकान बने हुए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। कुछ जानवर भी यहाँ बंधे हुए जो हैं वो दिख रहे हैं आपको। यहाँ पीछे जो है ये घास के ढेर में आग लगी हुई है। यहाँ गुज्जर बकरवाल परिवार रहते थे, जो मवेशियों का दूध निकाल कर बेचते हैं। उनके लिए जमा चारे के ढेर में पाकिस्तानी बमों से लगी आग अब भी सुलग रही है। मैं आपको इस समय समझा नहीं सकता कि यहाँ कितनी गर्मी है और ये जो आग की लपटें उठ रही हैं, इनसे जो तपिश आ रही है, और जम्मू में वैसे ही इस समय मौसम काफ़ी गर्म है, तो ऐसे में यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये वाला घर देखिए, यहाँ गर रहा होगा। घर की बस अब कुछ मीटर की दीवार बची है, बाकी सारा यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुका है। हालांकि भारतीय सेना के जवाब में भी पाकिस्तानी पोस्ट की हालत ऐसी ही हो गई। इसकी पूरी कहानी दिखाएंगे, पहले भारत में जले इस घर को देख लीजिए। दीवारों के छोटे छोटे हिस्से बचे हैं, बाकी सब जलकर मिट्टी में मिल गए। इसी घर में रहने वाले मोहम्मद शैफी बताते हैं कि बस 10 मिनट पहले ही फायरिंग रुकी है और आप लोग यहां पहुंचे हैं। ये 10 मिनट हुए जो अभी थोड़ी फायर बंद हुआ है। बाकी ये हमारे मकान आप देख रहे हो, खाना पीना यहाँ का, भैंसों का, ये सब हमारे बर्तन सर्तन कुछ भी सर बचा नहीं अभी तक। ये हमने तूड़ी रखी होती है, इसमें तूड़ी होती है सर, ये वाली, ये तूड़ी कम से कम 1 लाख की तूड़ी अंदर रखी होती सर, तो अब ये भी तबाह होगी। 150 से 200 परिवारों का ये गाँव है, लेकिन इस बस्ती के आसपास एक भी घर की छत नहीं बची। इन कच्चे घरों पर हुई पाकिस्तानी बमों की बारिश ने उन्हें पैरों के नीचे ला दिया है। बम ने घरों से लेकर बिजली के खड़े खंभों तक को जमींदोज कर दिया है। मेरे और मेरे कैमरा पर्सन पवन चौधरी के बीच में ये जो तारे आप देख रहे हैं, ये बिजली की हाई टेंशन तारे हैं, जो अब
टूट कर जमीन पे बिखर चुकी है। मेरे पीछे आप देखिए ये खंभा किस तरह से पूरा जमीन दोष हो गया है, बिजली की तारे पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, और ये जो घर है यहाँ पर करीब 20 झोपड़ियाँ जो हैं, कच्ची झोपड़ियाँ जो हैं, उनमें आग लग चुकी है। पिछले 15 सालों से शुरुआती 5 महीनों में पाकिस्तान ने सीज़फ़ायर का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है। 700 से ज्यादा बार बम गोले बरसा चुका है पाकिस्तान। मजबूर सरकार भी कह रही है कि पड़ोसी ऐसा क्यों है, ये शोध का विषय है। मैं विडंबना ही मानता हूं कि हमारा एक ऐसा पड़ोसी है, कि कारण क्या है यह समझना बहुत ही कठिन है। पहली गोली तो पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से चल जाती है तो क्या करना, इसका फैसला आपको करना। संवाददाता अजय बाचलू जोरा फार्म से थोड़ा ही आगे बढ़े तो पाकिस्तानी मोर्टार गिरने फिर शुरू हो गए। हम इस समय आरसपुरा में, और लगातार यहाँ पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान लगातार यहाँ पर गोले बरसा रहा है। आप सुन रहे हैं किस तरह की आवाजें यहाँ आ रही है। पाकिस्तान की कायराना करतूत दिखाती ये दो तस्वीरें हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर के केरी इलाके में 8 महीने के नितिन को गोली लग गई। उस वक्त वो माँ के पास सोया था, किसी को पता भी नहीं लगा। लोगों ने खून देखा, तब तक अस्पताल जाते जाते नितिन की सांसें रुक चुकी थी। बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया था और हमारे को आवाज़ तो आई नहीं। इधर जो बच्चा एकदम जो जोर से रोने लगा ना, फिर हमने देखा उसको जो आगे पीछे पूरा कपड़ा जो है ना वो खून से भरा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा 8 महीने का बच्चा, उससे क्या दुश्मनी थी। दूसरी तस्वीर देहरादून की है। पिछले महीने 10 अप्रैल को कश्मीर घाटी के कुलगाम में आतंकियों से लड़ते हुए सेना के जवान दीपक नैनवाल घायल हो गए थे। 42 दिन तक मौत से जूझते हुए कल दीपक नैनवाल शहीद हो गए। आज देहरादून में जब पिता को अंतिम सलामी दी जा रही थी तो 6 साल की बेटी समृद्धि पिता के शव के पास हाथ जोड़कर रोने लगी। हजारों की भीड़ मौजूद थी, हर आंख पर आंसू आ गए, सबका कलेजा बैठ गया। हरिद्वार में दीपक को छोटे भाई ने मुखाग्नि दी, तब दीपक का 3 साल का बेटा चाचा की गोद में था। मासूमों पर पाकिस्तान के अत्याचार पर सरकार कह रही है कि जो मुल्क शांति के नाम पर बना था और शांति की बात करता है, वो रमजान के महीने में ऐसी दरिंदगी दिखा रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसकी स्थापना इस कथित उद्देश्य के साथ हुई थी कि वो कुरान पाक के नियमों के आधार पर एक व्यवस्था देगा अपने देशवासियों को, वो स्वयं ही यदि रमजान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय सेनाओं की ओर से किसी प्रकार की नरमी बरती जाएगी। सरकार की ये चेतावनी तस्वीरों में आपके सामने है। पाकिस्तान के पासवान पोस्ट का ये सर्विलांस टावर था, जिसे अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की मुकेश पोस्ट पर तैनात जवानों ने तबाह कर दिया। सुनिए इस पोस्ट को तबाह करने वाले वीर जवानों की बातें। धजिया उड़ा दी, बिल्कुल मजा आ गया। धजिया उड़ा दी ना मुकेश पोस्ट ने। मुकेश पोस्ट जिंदाबाद। इसी अरनिया सेक्टर में कल पाकिस्तान ने तबाही मचाई थी। आज वहां पाकिस्तानी टावर टुकड़ों में गिरने लगा, क्योंकि बीएसएफ ने रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाकर पाकिस्तान की इस तीसरी आंख को फोड़ दिया। आंख भी उठा दी ना, देखो मुकेश पोस्ट के अंदर ना बम ठोके ना, क्योंकि ऐसी मट्टी प्लिंग गई ना, ऊपर वाला लकड़ी का था क्या, धुआं उड़ रहा हो देखो नीचे पट्टी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस टावर पर निगरानी रखने वाले उपकरण भी लगा रखे थे, जिसे भारतीय जवानों ने तबाह कर दिया। हालत यह है कि पाकिस्तान ने सीमा पर मिनी युद्ध जैसे हालात कर दिए हैं, जिसका जवाब देना भारतीय जवानों के लिए जरूरी है। रमजान के महीने में भारत ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन रोक रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब सीमा पर नया मोर्चा खोल दिया है। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।